हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर MGSU इससे अगर आप 2 ईयर बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आप किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 4 जुलाई से आपकी परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है MGSU। जैसे ही आप इसे लिखकर टाइप करेंगे, जो आपके सामने दूसरी वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको MGSU बीकानेर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने MGSU का न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिलती है। इन्हीं में से आपको एक डिटेल ऑप्शन शो हो रहा होता है, एडमिट कार्ड मेन एग्जाम 2024, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फिर से न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे ये जनरल इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि सेलेक्ट UG PG प्रोफेशनल। तो यहाँ पर बीएड के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं तो बीएड प्रोफेशनल में आ जाएगी। उसके बाद आपसे सेलेक्ट क्लास फैकल्टी टाइप पूछेगा, फिर आपसे सेलेक्ट क्लास फॉर एग्जाम फॉर्म ये पूछेगा। तो आइए हम लोग इसे भरते हैं। तो पहले प्रोफेशनल पर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एजुकेशन पर टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट क्लास, आप किस क्लास में हो, बीए बीएड पार्ट 1 एग्जाम, ठीक है, वहीं पर बीए बीएड पार्ट 2 एग्जाम 2024, बीए बीएड पार्ट 3 ईयर। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंटीग्रेटेड बीएड वाले हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों के शो हो रहे हैं। उसी तरीके से आप नीचे की तरफ आओगे तो सभी बीएड से संबंधित जितने भी क्लासें या कोर्स हो रहे हैं उन सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो 2 ईयर बीएड है उसके ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीएड फर्स्ट ईयर बीएड पार्ट 1 एग्जाम 2024, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आता है प्रोसिस्ट, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। हमारे सामने फिर से न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर हमसे ये जर्नल डिटेल्स पूछता है। अगर आपके पास आपने जो फॉर्म भरा था उसका नंबर है तो आप उसे यहाँ पर डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेन एग्जाम रोल नंबर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप बाय जर्नल डिटेल डालकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बाय जर्नल डिटेल डालेंगे। तो उसके बाद आपसे पूछता है आवेदक का नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी माताजी का नाम। तो हम लोग इन तीनों को यहाँ पर भर देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करेंगे आगे की कि एडमिट कार्ड आपका किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टूडेंट फादर नेम और मदर नेम तीनों को भर दिया है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। दोस्तों यहां पर फिर से न्यू पेज ओपन हो चुका है, यहां पर आपका एडमिट कार्ड आपके लिए तैयार है। यहां पर बोला जा रहा है कि क्लिक टू कैंडिडेट नेम टू प्रिंट एडमिट कार्ड, मतलब कि आपका जो नाम यहाँ पर शो हो रहा है, फॉर्म नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो आइए हम लोग अपने नाम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक न्यू मैसेज इनकी तरफ से आ रहा है कि योर एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइड थ्रू कॉलेज, प्लीज कॉन्टैक्ट टू कॉलेज, मतलब कि आपका एडमिट कार्ड आपको अपने कॉलेज से प्राप्त करना है, इसलिए आप कॉलेज से संपर्क करें। मतलब कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों के एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिटेल भरी तो एडमिट कार्ड मुझे शो नहीं हो रहा है मेरा। कहा जा रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से प्राप्त करें, तो ये भी मतलब कि समस्या ही है, तो अब कॉलेज भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।